ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उसके पीछे एक नए इंडियन वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे करीब 3,500 मामले अब तक ब्रिटेन में पाए गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वेरिएंट कुछ महीने पहले यहाँ फैले यूके वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। ब्रिटेन के जिन इलाकों में इस वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने आए हैं वहाँ वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन अगले महीने से ब्रिटेन में हर तरह की पाबंदियों को हटाने की जो योजना है उस पर अब क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर भी चिंता है। देखिए बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल की रिपोर्ट। ये नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का बोल्टन इलाका है। कुछ दिन पहले यहाँ पर भारत से आए कोरोना वायरस का नया प्रकार मिला था। बोल्टन के अलावा इंग्लैंड में कई दूसरे हिस्सों में भी B.1.617.2 नाम का ये वेरिएंट पाया गया है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की यही किस्म सबसे ज्यादा संक्रमित कर रही है। जानकारों की राय में कोरोना वायरस का ये प्रकार बाकी किस्मों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि फिलहाल मौजूदा टीके इस पर भी असर करते हैं। इन नए वेरिएंट्स को देखते हुए चिंता तो है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस वेरिएंट पर भी वैक्सीन कारगर है और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो सुरक्षित हैं। तो संदेश ये है कि जब आपकी बारी आए तो जल्द से जल्द टीका लगवाने। वायरस की इस किस्म के फैलने की चिंताओं के बीच यूके के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जो लोग ब्रिटेन में टीका लगवाने में हिचक रहे हैं वो देख लें कि बोल्टन के अस्पताल में क्या हो रहा है। वहाँ कोरोना से संक्रमित हुए ज्यादातर लोग टीके के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने टीके नहीं लगवाए और अब अस्पताल पहुँच गए हैं। कुछ तो ICU में हैं। बोल्टन में पिछले कुछ दिनों में हजारों लोग कोरोना वायरस का टीका लगवा चुके हैं। कोरोना वायरस फैल रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि टीका लगवाऊंगा और जोखिम कम करूंगा। मेरे बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हालांकि उन्हें टीका लग चुका है पर ये जरूरी है कि टीका लगवाया जाए ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुझे लग रहा था कि टीका लूं या ना लूं, लेकिन मेरे दोस्तों और डॉक्टरों ने कहा कि ये जरूरी है। यूके में B.1.617.2 वायरस बोल्टन में लगभग महीना भर पहले मिला था। माना जा रहा है कि भारत से आने वाले किसी शख्स के जरिए ये यहाँ पहुँचा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत यात्रा पर पाबंदी लगाने से पहले लगभग 20,000 लोग भारत की यात्रा करके यूके लौटे थे, लेकिन मंत्रियों ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने वेरिएंट की चिंता का सबब बनने से लगभग 2 सप्ताह पहले ही भारत से यात्रा प्रतिबंधित कर दी थी। उन्हें भारत को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही डेड लिस्ट में रख देना चाहिए था। उसके बाद बीते 3 हफ्तों में हजारों लोग भारत से ब्रिटेन आए हैं और उनमें सैकड़ों नए कोविड वेरिएंट से भी संक्रमित हो सकते हैं। वायरस के इस नए प्रकार के सामने आने के बावजूद इंग्लैंड में कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी गई है। इंडिया वाज पुट ऑन द रेड लिस्ट बिफोर दिस वाज इवन अ वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन लेट अलोन अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न सो वी टुक प्रॉम्प्ट एक्शन एंड वी विल कंटिन्यू टू टेक वेरी वेरी ड्रेकोनियन एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल वेरिएंट्स कमिंग फ्रॉम व्हेयरएवर अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा ब्रिटेन ने नए वेरिएंट वाले इलाकों में टीकाकरण और टेस्टिंग की रफ्तार तेज कर दी है ताकि हालात को बिगड़ने से पहले काबू में किया जा सके। हालांकि इस नए कोविड वेरिएंट को लेकर चिंता और अनिश्चितता बढ़ रही है कि ऐसी हालत में ब्रिटेन अगले महीने तक कोविड से जुड़ी पाबंदियां पूरी तरह कैसे हटा पाएगा।